का व्यू, और हम लोग हैं अभी 10th फ्लोर पे, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर बातें करेंगे, नहाएंगे। आप देख सकते हैं 10th फ्लोर से जो है मुर्डेश्वर बीच का क्या नज़ारा है। का दर्शन आप नज़दीक से कर रहे हैं, मैं पास में जा रहा हूँ भोलेनाथ का, और आपको जो है बाबा भोलेनाथ का जो है दर्शन कराता हूँ। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहिए। ये सीढ़ी है चढ़ने का। अभी हम लोग इसके ऊपर थे, 18th फ्लोर पे ऊपर से नीचे आए हैं और यहाँ बाबा के नज़दीक आए हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन नज़दीक से करने। और ये ऊंची चढ़ाई है, यहाँ पे रावण की मूर्ति है और भगवान शंकर की, और ये रावण जो है, रावण से शंकर भगवान जो है भिक्षुक बन के, चरवाहा बन के जो है शिवलिंग अपने हाथ में लेते हुए, मैं मास्क हटा देता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। और इसका व्यू जो है सड़क दिखता है, और भी अंदर जो है प्रतिमाएं बनी हुई है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको जो है और भी प्रतिमाएं दिखाऊंगा। चलिए ऊपर चलते हैं, देख सकते हैं कितनी ऊंची चढ़ाई है। बाबा का दर्शन करते रहिए आप लोग, और बहुत ही कड़ी धूप है दोस्तों, पैर भी जल रहा है, लेकिन बाबा के आगे कुछ नहीं। ये है बाबा का बैल जो भी है, और उधर रहा ये रथ। यहाँ पे RNS रेसिडेंसी भी है, यहाँ आप आकर स्टे भी कर सकते हैं। और ये छोटू आते हुए, और यहाँ से कुछ बाबा के आसन के नीचे, और यहाँ गजब तरह की शांति है, देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते रहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो अपने आप में एक अजूबा है। अभी हम लोग वहां से आए हैं, बाबा का जो है आप नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ का। देखिए बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ का भक्त इधर है। आपको जो है बाबा भोलेनाथ का दर्शन करा रहा है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए फटाफट, क्योंकि ऐसा नज़ारा फिर मिलेगा आपको। ये रहा बाबा का द्वार, 18th फ्लोर का है। बाबा के जटाओं से निकला हुआ पानी समुद्र के रूप में आपके सामने है, और बहुत ही खूबसूरत बीच, अद्भुत, अकल्पनीय। और वो सामने बाबा का गुफा है, बाबा के आसन के नीचे, जो रावण की जो है दसों दशाओं का जो है वर्णन पिक्चर अंदर कैद है, जो 3 बजे पट खुलेगा और हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। तो मैं आपको 3 बजे मिलता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पे, स्नान करेंगे, उसके बाद जो है, और हम लोग जो है आपको जो टॉप व्यू हमने दिखाया है उसके ऊपर से, अभी ये ग्राउंड व्यू है। मैं बीच पे आ चुका हूँ, और सामने जो है बाबा का मूर्ति है जो बेहद ही खूबसूरत है, क्या ही कहना है। और ये बीच है, और शंकर भगवान नहा रहे हैं, शिव प्रहलाद,
प्रहलाद किधर गए हैं मालूम नहीं, लेकिन वो बीच में नहा रहे हैं। वो रहा सामने, वो देखिए ये रहा ये वाला। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा का दर्शन सभी कर पाए नज़दीक से। चार घंटे की दूरी ट्रेन से तय करने के बाद बाबा के दर्शन मैं आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। तो आप लोग जो है इग्नोर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।